नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चार धाम यात्रा, स्पेशली बाबा केदारनाथ जी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी भक्त हमारे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसमें मैं आपको बाबा केदारनाथ जी के मौसम, वहाँ के दर्शनों में कितना समय लग रहा है, वहाँ पर मौसम में बर्फबारी है या नहीं है, तो और बाबा के कपाट कब बंद होने वाले हैं, ये सारे टॉपिक हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल पाए। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा। यात्रा प्रॉपर चल रही है, आप आसानी से जो है बाबा केदारनाथ मंदिर में पहुँच सकते हैं। रास्ते में आपको भीड़ काफ़ी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि यात्रा में काफ़ी यात्री समय आ रहे हैं तो जिसकी वजह से आपको भीड़ मिल सकती है, लेकिन आप आइए और आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और मंदिर में दर्शनों के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको 2 से 3 घंटे की लाइन आपको मिलेगी, जिसमें आपका 2 से 3 घंटे का समय जो है लगने वाला है यात्रा के दौरान। और दोस्तों, मौसम की अगर हम बात कर लें तो मौसम इस समय बहुत ही शानदार हो चुका है केदार वैली का। और बर्फबारी की बात करें तो केदार घाटी में दोस्तों ऊपर मंदिर के पास बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जो भी यात्री भक्त यात्रा करना चाहते हैं तो आने वाले 2 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है और आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। और बर्फबारी का भी आप नज़ारा आपको शायद जो है इस दौरान मिल सकता है। और अदरवाइज़ दोस्तों, दिन पे दिन मौसम वहाँ का ठंडा होता जा रहा है और बर्फ़ के आसार बनते जा रहे हैं। तो जो भी भक्त हमारे यात्रा करना चाहते हैं इस साल बाबा केदारनाथ जी की, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा वो 6 नवंबर तक यात्रा कर सकते हैं। 6 नवंबर को दोस्तों सुबह 8 बजे बाबा के विधि विधान से कपाट बंद कर दिए जाएंगे और बाबा की डोली को नीचे ले आया जाएगा दोस्तों। और इससे पहले आप जो है यात्रा कर सकते हैं, 6 नवंबर को आप सुबह 8 बजे तक बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी भक्त हमारे यात्रा करना चाहते हैं वो कृपया 5 तारीख को पहुँच जाएँ। 5 तारीख तक आप वहाँ दर्शन कीजिए आराम से, और उसके बाद 6 तारीख को आप डोली के प्रोग्राम में शामिल होइए और उसके बाद आप वापसी आ सकते हैं बाबा की डोली के साथ। बाकी दोस्तों आपका अपना प्लान, आप जैसे इसको डिसाइड करेंगे आप यात्रा कर सकते हैं। तो 6 नवंबर सुबह 8 बजे तक आपको बाबा के दर्शन हो सकते हैं। तो जो भी भक्त हमारे यात्रा में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद दोस्तों फिर से कपाट बंद कर दिए जाएंगे और फिर से दर्शन जो है 6 महीने बाद आपके हो पाएंगे। तो जो भी भक्त हमारे प्लान बना रहे हैं और बाबा की जिन पर भी कृपा है तो वो अगर यात्रा करना चाहते हैं तो वो आराम से जाइए, यात्रा सभी भक्तों के लिए खुली है। तो कैसा लगा आपको ये अपडेट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सारी ये जो जानकारियाँ हैं ये और भक्तों तक भी पहुँच पाएँ। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।